ख्याल से वेब सीरीज वैसी होनी चाहिए कि सीरीज का इम्पैक्ट इतना गहरा हो कि सीधा हमारे दिमाग में घुस जाए। सीरीज इतना एडिक्टिव हो कि अगर एक बार इन सीरीज को देखना चालू किए तो आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इस लिस्ट की कोई भी सीरीज देखना शुरू करने से पहले आप अपना सारा काम कर लें। एक बार इन सीरीज को देखना चालू किए तो पूरा देख कर ही छोड़ोगे, क्योंकि इस लिस्ट की सारी वेब सीरीज एक से बढ़कर एक है। तो आज के रिव्यू में ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज लाए हैं जो इस मनहूस 2.0 लॉकडाउन में आपकी बोरिंग टाइम को इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग से भर देगा। खुशी की बात है, इस लिस्ट की सारी वेब सीरीज कमाल की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, और ये भी बताएंगे कि ये फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, सभी लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इस चैनल की तरफ से आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, और चैनल का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट ढूंढने में आपका कीमती टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए इस मनहूस लॉकडाउन में वेब सीरीज के थ्रू सेलिब्रेट किया जाए। नंबर 5 पे अगर आप मैड मैक्स फ्यूरी रोड के मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन और एक्शन के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए विजुअल ट्रीट से कम नहीं। उसके जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं देगी पर उसके जैसा फील जरूर कराएगी। जॉम्बी सर्वाइवल 2019 की नेटफ्लिक्स की तरफ से डेब्रेक। अगर आप जॉम्बी सीरीज में नए हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए। सीरीज में एक बड़े धमाके की वजह से शहर के 17 साल के सारे एडल्ट जॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं। जो बच्चे और टीनेज के लोग बचे हैं उन्हें उन जॉम्बी से सरवाइव करना है। इस सीरीज के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके मैड मैक्स फ्यूरी रोड की तरह कॉस्ट्यूम डिजाइन, जो सच में कमाल का है। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि आप कोई मैड मैक्स फ्यूरी रोड का ही सीरीज देख रहे हैं। उसी तरह से कॉस्ट्यूम डिजाइन, सेम हेयर स्टाइल। हमको पर्सनली इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट लगा उस बच्ची की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। उसकी एक्टिंग देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि वो 13 साल की बच्ची है, और क्लाइमेक्स आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। सीरीज में ऐसा कहीं एडल्ट सीन नहीं है, बस कुछ जगह पे ज़ॉम्बी ब्रूटल एक्शन है। अब फैमिली के साथ इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 4 की सीरीज देखने के लिए आपके दिमाग को 18 प्लस होना चाहिए, वरना आपके दिमाग में घुस सकती है ये सीरीज। ऐसी क्वालिटी कंटेंट को हर किसी को ट्राई करनी चाहिए। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज 2019 की सस्पेंस ड्रामा के साथ अनबिलीवेबल। सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होना। एक रेपिस्ट जो अलग अलग एज के फीमेल का रेप करता है। इस सीरीज का सबसे शॉकिंग बात है, एक सस्पेक्ट का इतना गहरा इंपैक्ट पड़ा है कि उसे कभी लगता है कि मेरे साथ रेप हुआ है, कभी लगता है नहीं। एक टाइम पे जाके हमें भी ये सीरीज कंफ्यूज करता है कि क्या सच में रेपिस्ट है या इनकी कोई भ्रम है। लेकिन इसके एंडिंग में एक एक करके जब सस्पेंस खुलता है देखकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा। ऐसी सीरीज को हर एक ऑडियंस को देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स इस सीरीज को स्ट्रिक्टली 18 प्लस बताया है, इसे फैमिली के साथ ना देखें। सीरीज कमाल के हिंदी डबिंग के साथ आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 की सीरीज ने हमें अच्छी तरह से बता दिया कि अगर हमारा ये दुनिया खत्म होता है तो उससे सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का ही होगा। साइंस फ्रिक्शन एक्शन 2019 की नेटफ्लिक्स की तरफ से भीवार। हमारे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से एक ऐसा खतरनाक वायरस रिलीज हुआ जो इंसानों को इफेक्ट कर खतरनाक खूंखार और ताकतवर वैम्पायर में कन्वर्ट कर रहा है। सीरीज के सबसे बेस्ट पार्ट है, सीरीज के फर्स्ट एपिसोड से ही एक्साइटमेंट लेवल एक सीढ़ी ऊपर ले जाता है और हमें सीरीज से हुक कर लेता है। वैम्पायर की सीरीज है तो स्टोरी सिंपल ही होगा, बस इन्हें इंसानों का खून पीना होता है। पर सीरीज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी कमाल का है। वैम्पायर और इंसानों का व्यवहार देखकर आपको काफी पसंद आएगा। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, जिस तरह से ये सीरीज एक सीढ़ी ऊपर ले जाती है उसी तरह से इसके एंडिंग सीधा जमीन पर पटक देती है। शायद नेटफ्लिक्स इसे सेकंड सीजन के लिए बचा के रखा है। एक या दो जगह पे बेड सीन है तो आप इसे 18 प्लस कह सकते हैं। इसे आप कमाल के हिंदी डबिंग के साथ आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 की सीरीज का इम्पैक्ट इतना गहरा है कि आपके सीधा दिमाग में घुस जाएगी। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट देखने के लेवल का एक लेवल ऊपर ले जाना है तो नेटफ्लिक्स की हिस्टोरिकल 2020 की द क्वीन गैम्बिट। नहीं भाई साहब, पूरी की पूरी तबाही है। आनिया टेलियोजोय की एक्टिंग पूछिए मत, हिप्नोटाइज कर लेगी आपको। नेटफ्लिक्स ऐसी हिडन एक्ट्रेस को लाता कहां से है जो सीधा दिल में उतर जाती है। बचपन से चेस में एक पागल लड़की वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर बन पाती है या नहीं। सीरीज आपको फर्स्ट एपिसोड 2 या 3 मिनट में ही ये सीरीज आपको जकड़ लेगी। आपको शुरू से ही ये सीरीज में लगता है सीरीज में कुछ तो बात है, कुछ बड़ा करेगी।
का इमोशन इतना इम्पैक्टफुल है कि लास्ट एपिसोड आते आते आपको ये सीरीज रुला जाएगी और आपके जिंदगी के एक बड़ा लेसन सिखा जाएगी। अगर आपके पास किसी प्रति जुनून और हौसला बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इसके 7 एपिसोड 1 आवर का लंबा लेंथ। सीरीज कैरेक्टर के डेप्थ में जाती है, थोड़ा 1 आवर का लंबा लेंथ कहीं कहीं फील होगा, फिर भी ये सीरीज आपको अपने सीट से हिलने नहीं देगी। ऐसी वेब सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेटफ्लिक्स इस सीरीज को 18+ बोलता है, पर एक या दो जगह पे एडल्ट सीन है, उतना तो आज के जेनरेशन के लिए आम बात है। इस सीरीज को आनिया टेलर जॉय की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के लिए जरूर देखिएगा। इसे आप फर्स्ट क्लास हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। की वेब सीरीज आपको स्ट्रेंजर थिंग की डार्क थीम याद दिला देगी। इवन ये सीरीज चार जॉनरा का मिक्सर है, मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक द इररेगुलर। सीरीज शुरुआत ही कंफ्यूजन से होती है। सीरीज में शेरलॉक होम्स की स्टोरी उनकी फैमिली को दिखाया गया है, तो ये मत समझना कि शेरलॉक होम्स पे बेस्ड सीरीज है तो वो बोरिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्हें वैसा केस मिलता है जिसमें मर्डर मिस्ट्री के साथ कूट कूट कर सस्पेंस भरा होता है, जो देखकर आपके दिल से एक ही बात निकलेगी, ओ तेरी ये क्या बवाल है। हर एपिसोड में आपको एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा और आप देखकर शॉक रह जाएंगे। किसी का रातों रात एक पैर गायब हो गया और उसके रातों रात जख्म भी भर गए। कभी एक कौआ किसी बच्चा को उठा कर ले जाता है, तो कभी एक इंसान शहर को लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना, सीरीज शुरू से ही मिस्ट्री बिल्डअप करती है। ये सभी का सीरीज में इम्प्लीमेंटेशन और वो 90 के दशक का सेट इतनी अच्छी और फ्रेश लगा कि शायद रियल में भी ऐसा नहीं होगा। और इस सीरीज के सबसे खास बात है, हमको पर्सनली इमोशनली लेवल पे हिट किया बी की माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। ऐसे यूनिक और फ्रेश कंटेंट को मिस नहीं करनी चाहिए एक या दो जगह पे लव मेकिंग सीन है, तो आप इसे एक नेटफ्लिक्स पे कमाल की हिंदी डबिंग के साथ आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही यूनिक फ्रेश और हिडन कंटेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस कोरोना को हल्के में ना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।